हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उदास हो रहे हैं ना क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं? कोई बात नहीं, जल्द ही स्कूल खुल जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, ईश्वर उसको जल्दी से समाप्त करे और आप वापस अपने अपने स्कूल आएं और खूब सारी पढ़ाई मौज मस्ती करें। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। तो एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह उठ के नदी के किनारे पेड़ से लकड़ियां तोड़कर लाता था। एक बार क्या होता है, वो अपने पेड़ से लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसकी एक कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने से वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। नदी के किनारे बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं ये लकड़ी काट कर उन बेचता था, फिर उनके लिए मैं खाना लेके आता था। अब मैं क्या करूंगा? मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? इस पे इसकी रोने की आवाज सुनकर तभी पानी में से एक भगवान प्रकट होते हैं और वो उससे पूछते हैं, हे बालक, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तभी रोते रोते लकड़हारा बोलता है, हे प्रभु, मैं जिस पेड़ से लकड़ी काट रहा था, अचानक मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और नदी इतनी गहरी है कि मैं वहां तक नहीं जा सकता, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, बस इतनी सी बात, रुको, मैं अभी कुल्हाड़ी तुम्हारी लेकर आता हूं। भगवान नदी में जाते हैं और वहां से उसके लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। तो लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देख के कहता, नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो एक पुरानी कुल्हाड़ी है, लोहे की कुल्हाड़ी है। इस पर भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ये ले लो। वो कहता, नहीं प्रभु, मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। और वो पानी में प्रभु दोबारा से पानी में जाते हैं और फिर उसके बाद एक नई कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। इस बार उनकी जो कुल्हाड़ी होती है वो चांदी की कुल्हाड़ी होती है। तो लकड़हारा से कहते हैं, ले बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आया। तो इस पर लकड़हारा कहता है, नहीं नहीं हे प्रभु, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, कृपया करके आप इसे वापस ले जाइए। इस पर प्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वो इस बार वापस पानी में जाते हैं और उसकी वही पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है, बहुत भगवान को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी पुरानी वाली कुल्हाड़ी वापस कर दी, मुझको ला के दे दी, और अब मैं इससे अपने लकड़ियां काट के अपने बच्चों का पेट भर सकूंगा, उन्हें बेच सकूंगा। भगवान जी के उसके इस बात से बहुत खुश होते हैं। उन्होंने उस लकड़हारे को प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं, बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में कोई लालच तो नहीं है। मैंने तुमको सोने की कुल्हाड़ी भी दी, मैंने तुमको चांदी की कुल्हाड़ी भी दी, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे की पुरानी है, तो मैंने वही तुमको दी। मैं तुमको बहुत प्रसन्न हूं और तुमको तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और मैं ये तुमको आज से खूब ये धन दौलत, ये ऐशो आराम और ये दोनों सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी तुमको मैं भेंट के रूप में तुम्हें देता हूं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, हमेशा सच्चा ही बोलना चाहिए और सच्चा ही सुनना चाहिए। धन्यवाद।